एक समय था जब हम अपने स्मार्टफोनों में एक कैमरे और दो कैमरे से ही खुश थे, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें तीन कैमरे, चार कैमरे और यहाँ तक कि पांच कैमरे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब स्मार्टफोनों में यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको कैमरा लेंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हो गया, मोनोक्रोम लेंस हो गया, डेप्थ सेंसर हो गया, मैक्रो लेंस हो गया, टेलीफोटो लेंस हो गया। उफ भैया, आखिर में ये सब लेंस है क्या, इनका क्या यूज है? तो भैया, आपके स्मार्टफोनों में यहाँ पर ये सारे लेंस हैं लेकिन आपको इनका यूज़ नहीं पता। आपने चार कैमरे वाला स्मार्टफोन तो ले रखा है लेकिन इनका एक्चुअल यूज़ आपको नहीं पता। तो भैया, चार कैमरे वाला स्मार्टफोन लेके क्या फ़ायदा? डोंट वरी, मैं हूं ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं कैमरा लेंस के बारे में बताने वाला हूं जो आपको स्मार्टफोनों में देखने को मिलता है, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नंबर वन, डेप्थ सेंसर। वो एक बहुत ही पॉपुलर सेंसर है जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। पहले जो स्मार्टफोन आते थे जहाँ पर आपको डुअल कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिलता था, या फिर कह लो आजकल के जितने भी यहाँ पर क्वाड कैमरा स्मार्टफोन हैं, इन सभी में आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। कुछ में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, कुछ में आपको 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डेप्थ सेंसर है क्या, इसका क्या यूज है? तो सिंपल में कहें तो ये जो डेप्थ सेंसर होता है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करता है। तो यहाँ पर जो भी आप फोटो क्लिक करते हो पोर्ट्रेट मोड से, आपको जो भी बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो मेन कैमरा होता है, मेन लेंस होता है, वो दोस्तों बेसिकली फोकस करता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे, जो मेन चीज है जो आगे की तरफ होता है। वहीं पर दोस्तों जो दूसरा इमेज है, जो बैकग्राउंड होता है दोस्तों, वो कैप्चर करता है ये डेप्थ सेंसर, जिसकी वजह से पता चल पाता है जो ऑब्जेक्ट है, जो बैकग्राउंड है, वो अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, या फिर कह लो कैमरे में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि या ये वाला पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसे हमें फोकस रखना है, और जो बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें हैं उसे ब्लर कर देना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं बेसिकली एक डेप्थ सेंसर की वजह से पता चल पाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आप जो भी फोटो क्लिक करते हो पोर्ट्रेट मोड की मदद से, जहां पर आपको जो मेन सब्जेक्ट है वो फोकस में दिखाई देता है, यहां पर जो इंसान है वो फोकस में दिखाई देता है, और बैकग्राउंड की जो भी चीजें होती हैं वो यहां पर ब्लर हो जाती है। नेक्स्ट कैमरा आता है दोस्तों, जिसका नाम है वाइड एंगल कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। ये जो कैमरा है आपको आजकल के लगभग सभी स्मार्टफोनों में देखने को मिल जाता है, चाहे यहाँ पर हम बात कर ले मिड रेंज स्मार्टफोन की, या फिर बात कर ले यहाँ पर फ्लैगशिप स्मार्टफोनों की। और ये जो लेंस है, या फिर कह लो ये जो कैमरा है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही यूजफुल है। इसे समझने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि इस लेंस का क्या यूज़ है और आप इसे कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आप कोई ऐसी जगह घूमने गए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या फिर रिलेटिव के साथ, तो यहाँ पर आपने कोई एक फोटो क्लिक करना है, तो आप अपने कैमरे को निकालोगे, नॉर्मल मोड से यहाँ पर पिक्चर क्लिक करोगे, तो आप देखना जो नॉर्मल मोड से पिक्चर है वो कुछ ही एरिया को यहाँ पर कवर कर पाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा एरिया कवर करना है, या फिर कह लो आपको ज़्यादा लोगों को एक ही पिक्चर में यहाँ पर कवर करना है, तो ऐसे में आप नॉर्मल मोड से यहाँ पर पिक्चर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना होगा, उस ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए आप शायद आप में से बहुत से लोग पीछे जाओगे, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव को बोलोगे यार थोड़ा दूर हो जाओ ताकि सभी लोग आ जाए, राइट, ऐसे ही कुछ करोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप वही जगह पर यहाँ पर अगर आप खड़े होके, आपको मूव नहीं करना है, आपको दूर नहीं जाना है, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव को बोलो दूर नहीं जाना है, वहाँ पर आप उसी जगह पर बैठ के यहाँ पर आप ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहते हो, या फिर कह लो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एक फोटो में दिखाना चाहते हो, एक फोटो में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करना चाहते हो, तो भैया ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्मल मोड से पिक्चर क्लिक की गई है, और यहाँ पर ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से यहाँ पर पिक्चर क्लिक की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एरिया है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के फोटोज़ में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मल मोड अगर आपको कोई भी फोटो क्लिक करना है तो आप नॉर्मल मोड से फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ही फोटो में ज़्यादा चीज़ें दिखानी है, ज़्यादा एरिया को कवर करना है, तो आप यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों टेलीफोटो लेंस। वेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल कैमरा लेंस है। ये जो लेंस है, या फिर कह लो कैमरा है, आपको ज़्यादातर यहाँ पर आपको मिड रेंज स्मार्टफोनों में, या फिर कह लो फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में देखने को मिलता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों जितने भी फोटोग्राफर होते हैं, जो यहाँ पर क्रिकेट के टाइम पर या फिर फुटबॉलर के टाइम पर, जो भी फुटबॉल खेलते हैं उसके टाइम पर, यहाँ पर आपने देखा होगा फोटोग्राफर काफ़ी कमाल कमाल के पिक्चर्स क्लिक करता है। इवन वो प्लेयर के पास भी नहीं होता, एक बहुत ही दूरी पर बैठा रहता है, भी वो कमाल के पिक्चर्स क्लिक करता है, बेहतर डिटेलिंग के साथ, बेहतर बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट के साथ। कैसे? वेल, यहाँ पर फोटोग्राफर दोस्तों इस्तेमाल करता है टेलीफोटो लेंस का। अब यहाँ पर जो फोटोग्राफर है वो कोई क्रिकेट खेल रहा हो या फिर फुटबॉल खेल रहा हो, अब वो बीच बीच में जाके फोटोज तो क्लिक नहीं करेगा ना,
ऑब्वियसली बात है ये पॉसिबल नहीं है, उसको चोट लग जाएगी या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्राउंड में किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पर अलाउड करे। तो यहाँ पर दोस्तों जो फोटोग्राफर होता है वो एक एरिए पे मतलब एक बाउंड्री के बाहर बैठा रहता है जहाँ पर वो टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से जो प्लेयर्स होते हैं उनकी फोटोज लेता है। तो टेलीफोटो लेंस में बेसिकली वो जूम करता है, दूर की चीज़ों को पास लाता है और उसके बाद फोटोज क्लिक करता है जिससे आपको जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो प्लेयर होता है उस पर जो फोकस है वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। साथ में बैकग्राउंड में जो आपको सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड या फिर कह लो बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। सेम दोस्तों इसी तरह यहाँ पर आप स्मार्टफोन के कैमरे में भी यहाँ पर आप टेलीफोटो लेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप DSLR जितना तो जूम नहीं कर सकते बट येस यहाँ पर आपको स्मार्टफोन के कैमरे में जो टेलीफोटो लेंस दिया होता है इसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम, 3x ऑप्टिकल जूम या फिर 5x ऑप्टिकल जूम ऐसे कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जितना ऑप्टिकल जूम यहाँ पर आपको दिया गया है उतना आप जूम कर सकते हो और उतने ही जूम पे यहाँ पर करके आप इमेज को पास ला सकते हो और जो पिक्चर है वो क्लिक कर सकते हो। जिसके बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके कैमरे में यहाँ पर टेलीफोटो लेंस दे रखा है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ तो यहाँ पर आप 2x जूम कर सकते हो जिसके बाद जो इमेज की क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी या फिर कह लो जो पिक्सल है वो फटे हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, जो इमेज की क्वालिटी है वो उतनी ही बढ़िया होगी जितनी नॉर्मल मोड में होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो चीज़ है वो पास आ जाएंगी जिससे क्या होगा जो ऑब्जेक्ट मेन है उस पर अच्छे से फोकस हो जाएगा और जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से आपको ब्लर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप दूर की चीज़ों को सिंपल सा यहाँ पर पास लाके आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो इस टेलीफोटो लेंस की मदद से। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर जहां पर जो लाइटिंग है वो कम है या फिर कह लो लो लाइट कंडीशन में यहां पर अक्सर अगर आप अपने स्मार्टफोन से टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल करना चाहोगे तो शायद आप नहीं कर सकते। जी हां, टेलीफोटो जो लेंस है वो लो लाइट में काम अच्छे से नहीं करता, कई बार काम नहीं करता। यहां पर आप अगर कोई भी फोटो अगर आप लेना चाहते हो इंडोर लाइटिंग कंडीशन में या फिर जहां पर लो लाइट कंडीशन वहां पर अगर आप टेलीफोटो लेंस का यूज करना चाहोगे तो आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा दोस्तों मेन कैमरे में। जी हां, आसान भाषा यहाँ पे दोस्तों मैं कहूं तो आपके स्मार्टफोन का जो कैमरा है ना वो लो लाइट में यहाँ पर टेलीफोटो लेंस को यूज करने नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेन कैमरे में या फिर कह लो मेन सेंसर में स्विच हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लो लाइट में यहाँ पर टेलीफोटो लेंस से अगर आप कोई फोटो लोगे यहाँ पर तो जो ओवरऑल पिक्चर आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा नॉइज देखने को मिलेगा, इतनी अच्छी आपको ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो आपका स्मार्टफोन कैमरा होता है वो स्मार्ट होता है इसलिए उसका स्मार्टफोन नाम दिया गया है। तो जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली मेन कैमरे में स्विच हो जाता है जहां पर वो मेन कैमरे का इस्तेमाल करता है और वहां पर वो 2x डिजिटल जूम का इस्तेमाल करता है जिससे आपको लगता है कि या आपने एक टेलीफोटो या फिर कह लो टेलीफोटो लेंस से कोई फोटो क्लिक किया है। नेक्स्ट लेंस आता है दोस्तों जिसका नाम है मोनोक्रोम लेंस। वेल इस लेंस के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा और ये जो लेंस है आपको इतने ज्यादा स्मार्टफोनों में देखने को नहीं मिलता बट यस ये जो कैमरा है मोनो लेंस कैमरा ये भी मैं कहूंगा काफी यूजफुल है। वेल दोस्तों यहाँ पर ये जो मोनोक्रोम लेंस है दोस्तों इसकी मदद से यहाँ पर आप एक बेहतर डिटेलिंग के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जो मेन कैमरा है और ये जो मोनोक्रोम लेंस है दोस्तों इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है दोस्तों RGB कलर फिल्टर। यस ये जो मोनोक्रोम लेंस है ये दोस्तों कलर्स को कैप्चर नहीं करता जिसके वजह से ज्यादा लाइट को कैप्चर करता है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी फोटोज क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपके फोन का जो कैमरा है दोस्तों वो बेसिकली मेन कैमरे से और यहाँ पर मोनोक्रोम लेंस से फोटो क्लिक की गई है इन दोनों को मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एक फोटो बना देता है जिससे ओवरऑल उस पिक्चर में आपको जो डिटेलिंग है वो आपको बहुत ही अच्छी या फिर कमाल की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ऑफकोर्स यहाँ पर ओवरऑल फोटो में यहाँ पर आपको जो नॉइज है वो भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैमरा आता है दोस्तों जिसका नाम है मैक्रो कैमरा। वेल ये कैमरा भी आपको बहुत सारे स्मार्टफोनों में देखने को मिल जाता है और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जो कैमरा है हो सकता है कि शायद आपके लिए इतना यूजफुल ना हो लेकिन जो लोग फोटोग्राफी करते हैं जिनको भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है जो बहुत ज़्यादा फोटोज क्लिक करते हैं वेल उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमरा है। सिंपल में समझते हैं यहाँ पर मैक्रो कैमरा को, इसका इस्तेमाल यहाँ पर तब किया जाता है जब आप कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट या फिर कह लो यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ का यहाँ पर आप फोटो लेना चाहते हो एक क्लोज रेंज से यानी कि पास से और आप फोटो में उस चीज़ की हर डिटेल को यहाँ पर आप कैप्चर करना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप मैक्रो लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आपको एक फूल की फोटो क्लिक करनी है या फिर एक इंसेक्ट या फिर कह लो एक कीड़े की जो कि बहुत ही छोटा है, अगर आप उसकी फोटो क्लिक करना चाहते हो, उसे थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हो और उस फोटो में उस इंसेक्ट की उस कीड़े की हर एक डिटेल को यहाँ पर आप कैप्चर करके दिखाना चाहते हो, तो भैया ऐसे कंडीशन में आप अपने फ़ोन में मैक्रो लेंस का या फिर कह लो मैक्रो कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कर लेना, ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड हाँ, कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पर जाके आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हो। एंड मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।